अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरा's कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर जो कि है हमारी 7.4। तो 7.3 हमने कंप्लीट कर ली थी, होप कि आपको समझ आ गया होगा। मतलब इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन क्या होता है कि जब शुरू में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं उसकी तो वो फिर क्या होती हैं, ईजी हो जाती हैं, हमें सॉल्व करना काफ़ी ईजी लगता है फिर बाद में। तो इसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशंस हैं वो मुश्किल भी होती रहेंगी, लेकिन साथ साथ हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी तो वो हमें इजी भी लगने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद 7.4। और यहाँ पर हमारे पास 7.4 क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो होमोजीनियस जो हैं इक्वेशंस वो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर आ गया है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, इसकी सोल्यूशंस किस तरह से करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कॉन्टेंट पढ़ते हैं। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन में कहते हैं इफ़ एफ ऑफ एफ जो है हमारे पास टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई के फॉर्म में है, और जो टी है उसकी जो ऑर्डर है यानी डिग्री वो क्या होगा, वो 10 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रियल फंक्शन नंबर होगा। ठीक है, ये जो 10 होगा, ये जो पावर n है, ये हमारे पास कोई रियल फंक्शन होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फॉर सम रियल नंबर n। देन जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा ऑफ डिग्री n। इट्स मीन्स क्या होता है कि अगर हम लोग क्या कर दें, टी ऑफ एक्स ले लें और टी ऑफ वाई ले लें, किस चीज़ को, एक्स को टी ऑफ एक्स ले लें, वाई को टी ऑफ वाई ले लें, तो वो हमारे पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। देन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो टी ऑफ एन है फैक्टर आउट, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रिमेन अपने ओरिजिनल पोजीशन में यानी ओरिजिनल एक्सप्रेशन में ही रहेगा। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी गई है, ये एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। तो चलिए इधर थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ये क्या है, 2x³ माइनस xy स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं ये क्या होता है हमारे पास। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, x को हम लोग बोल देंगे टी ऑफ एक्स एंड y को बोल देंगे टी ऑफ वाई। तो यहाँ पर फंक्शन में पुट कर देंगे, x को क्या बोला है हमने, टी ऑफ एक्स बोला है, तो वो क्यूब हो जाएगा माइनस, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी ऑफ एक्स एंड वाई को टी ऑफ वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा टी एक्स की जगह टी ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा एंड माइनस एक्स की जगह क्या है टी ऑफ एक्स और वाई की जगह क्या है टी ऑफ वाई। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लूँगी। अब अगर देखा जाए तो टी ऑफ एक्स जो है वो कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, बल्कि टी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, टी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी पावर क्या है, टी क्यूब। अब यहाँ पर इसको ज़रा सोल्यूशन कर देते हैं इसकी, यानी पावर जो है उनको हटा देते हैं। ये हो जाएगा टी क्यूब, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा टी क्यूब और ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है ना, इधर से मैं क्या ले लूँगी, टी क्यूब को कॉमन ले लूँगी, ये हो जाएगा 2x³ माइनस एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास सोल्यूशन आ गई। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है, तो ये हो जाएगा टी ऑफ क्यूब एंड ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फंक्शन एक्स ऑफ वाई आ गया है। तो इसी तरह हम लोग ना बाकी भी सोल्यूशन करेंगे। ये थोड़ी सी अलग है, लेकिन जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है, हम लोग वो वाली सारी चीज़ें भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर हम लोग एक और डेफिनेशन पर जो कि हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स ऑफ वाई डी ऑफ एक्स, एन दिया गया है एक्स ऑफ वाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज सेट टू बी होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई इफ़ एम एंड एन आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें ये भी गिवन है अलग से, तो आप ये डेफिनेशन भी याद रखिएगा। जो डेफिनेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एग्जाम्पल्स में मतलब क्वेश्चन में आती है, या तो डेफिनेशन MCQs में आती है या तो वो जो सेक्शन B होता है शॉर्ट क्वेश्चन उसके साथ आती हैं। सेक्शन D में भी आ सकती हैं। सेक्शन D में आपको कोई भी डेफिनेशन दी होगी और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक आपको थ्योरी का क्वेश्चन या थ्योरम वगैरह कुछ भी दिया गया होगा। ठीक है ना, आप उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे कोई भी पार्ट्स में डेफिनेशंस आ सकती हैं, तो डेफिनेशंस को करना ना भूलिएगा। एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास थ्योरम आ गया है, आपसे यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब ये जो सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस भी क्वेश्चंस में आएगा, जो भी हमारे पास सोल्यूशन में ये यूज़ होने वाला है, तो आप वो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन वाई बाई एक्स की हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू वी, एंड देन क्या हो जाएगा, एक्स वी की जगह आ जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको अभी समझाऊंगी। अभी तक तो हम लोग सिर्फ रीड कर रहे हैं, देन हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि हमारे पास थ्योरम है एंड सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम। देखते हैं कि उसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन में किस तरह से यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हम आ गए हैं थ्योरम की तरफ। यहाँ पर मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है। हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास एम एक्स और वाई डी ऑफ एक्स प्लस एन एक्स ऑफ वाई एंड साथ में है डी ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँगी। एंड नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ठीक है, तो चलिए प्रूफ की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। सेंस यहाँ पर लिख देंगे, सेंस इक्वेशन 1 इज़ होमोजीनियस, यहाँ पर मैं लिख दूँगी होमोजीनियस, तो it can be put in the form of क्या d of y by d of x equal to g y by x। ठीक है, नाउ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो सब्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये तो इंट्रो था। नाउ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लेट अस इंट्रोड्यूस। ये थ्योरम है तो हम लोग इसको प्रॉपर थ्योरेटिकल फॉर्म में भी साथ में लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इंग्लिश भी लिख रहे हैं। लेट अस इंट्रोड्यूस, यहाँ पर लिखेंगे अ न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल v by making the substitution। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y by x को हम लोग ले लेंगे v के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, y को ले लेंगे एंड x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये v ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये हमने कर दिया है। अब इसको डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा ये। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये 2 है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है तो हम लोग वो यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 हम लोग बड़े हो गए नहीं लिखते, देन प्लस सेकंड फंक्शन यानी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है ना, डी वी बाई डी ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये आ गया है। नाउ ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया है इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँगी, या फिर आप स्टार भी बोल सकते हैं, मतलब मैं तो स्टार बोलती हूँ तो मैं स्टार ही लिखूँगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया। नाउ हिंस इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 2 था, जो हमने निकाला था डी वाई बाई डी ऑफ एक्स और साथ में जी ऑफ एक्स, जो मैंने बनाया था कौन सा फंक्शन, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू जी एंड वाई बाई एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और इक्वेशन नंबर 1 भी हमने बनाया था। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, वो हमने पीछे लिखा था लेकिन शायद मैंने उसको इक्वेशन 2 नहीं बोला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चीज़ें उसमें पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू ये हो गई, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वी put in equation 2। सही है, तो ये स्टार और ये डबल स्टार हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स था उसकी जगह हम लोग ये पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x डी वी बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा। एंड इक्वल हमारे पास क्या था, g और y बाई एक्स था, तो हम लोग क्या लिख देंगे, g और y बाई एक्स की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v। तो ये भी हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर ये कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। सही है, नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो v है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो v है ये यहाँ पर आ जाएगा, x यहाँ पर रह जाएगा, डी वी बाई डी ऑफ एक्स और ये होगा g ऑफ v माइनस, वो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको माइनस में लिख दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। नाउ जो हम लोग 7.3 में हमने इतना ज़्यादा किया जिसको हमने सेपरेबल वेरिएबल कहा, हम लोग यहाँ पर वही चीज़ कर देंगे, सेपरेबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, v और x है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, डी ऑफ एक्स को एक जगह, डी ऑफ एक्स के जो जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको एक जगह कर देंगे एंड डी ऑफ v के फैक्टर्स को एक जगह कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑफ v एंड साथ में वो जो हम लोग उधर से माइनस लेकर गए थे वो नीचे इधर डिवाइड हो जाएगा, v माइनस जी ऑफ वी एंड साथ में डी ऑफ एक्स के फैक्टर्स को एक जगह कर देंगे, ठीक है। तो सारे जो हमारे पास वो हैं सेपरेबल वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को हमने एक जगह कर दिया। नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन भी मैंने अप्लाई कर दी एंड हमें चाहिए एक कांस्टेंट। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बीच में प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट का सी हो जाएगा। वो हमने सारे एक जगह पे कर दिए, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ये यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा जब हम लोग इसको इक्वल के साइड करेंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे, सही है। नाउ यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ इधर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको किस तरह से, इस तरह से तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है। अब अगर यहाँ पर देख लें हम लोग तो इसका डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एफ़ ऑफ वी के इक्वल कर देंगे इसको, मतलब एक फ़ंक्शन के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा v माइनस जी ऑफ वी। तो ये एफ़ ऑफ वी के इक्वल हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एफ़ ऑफ वी, ठीक है। नाउ ये हो गया है इक्वल किस चीज़ के आएगा, कांस्टेंट के, क्योंकि यहाँ पर जीरो था, इंटीग्रल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट भी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने कांस्टेंट कर दिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमने जो लेट किया था शुरू में कि v हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, x और y के इक्वल है, नहीं y बाय एक्स के इक्वल है, y बाय एक्स के इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, रीपुट करेंगे जो हम लोग करते हैं लास्ट में। हम लोग क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट में की थी उसको हम लोग अगेन रीपुट कर देते। तो ये क्या हो जाएगा, एफ़ ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा एंड प्लस लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस की सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।